Rahim. Assalamu alaikum students, how are you? Now I am going to teach you the English grammar and composition for class 2. English grammar and composition for class 2. Let's open the books and move on the page number 9. Page number 9. First you move on the page number 3. पेज नंबर 3 and 4 एंड रीड द एक्सरसाइज एंड यूनिट जो है आप लोग यूनिट नंबर 1 में इसके कुछ एक्सरसाइज हैं आप उसको रीड करें उसको फिलअप करें. सबसे पहले है सप्लाई द लेटर्स डैट कम्स आफ्टर जैसे ए बी और इसके बाद क्या आता है सी यानी लेटर्स आपने लिखने हैं डैट कम्स आफ्टर जो बाद में आते हैं. अब जहाँ यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लेटर ई है तो इसके बाद कौन सा लेटर आना है वो आपने यहाँ पे लिखना है. एच है तो एच के बाद कौन सा लेटर आना है वो यहाँ लिखना है. उसके बाद के है तो इसके बाद कौन सा लेटर आना है वो लिखना है. यानी लेटर्स डैट्स कम आफ्टर दीज लेटर्स वो आपने यूनिट नंबर 1 में इस एक्सरसाइज में आपने कंप्लीट करने हैं. तो यहाँ पे लिखते हैं ई के बाद क्या आना है एफ नेक्स्ट आई एल नेक्स्ट है एम उसके बाद क्या आएगा एन ओ पी क्यू टी डब्ल्यू एंड वाई एक्स आया उसके बाद वाई आया एंड जी. यहाँ पे हमारी जो है वो स्मॉल लेटर्स की जो ए बी सी है वो कंप्लीट होती है जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि जो इन लेटर्स के बाद आने हैं लेटर्स वो कौन से हैं. सप्लाई द लेटर डैट कम्स आफ्टर सप्लाई द लेटर्स डैट कम्स आफ्टर ए बी सी डी ई एंड एफ जी एच आई जे के एल एम एन O P Q R S T U V W X Y एंड Z. यहाँ पे आपने ये जो अल्फ़ाबेटिक्स थे उनको कंप्लीट किया अल्फ़ाबेटिक्स लेटर्स को कंप्लीट किया और जो फिलिंग्स और ब्लैंक्स थी वो आपने फिलअप की हैं. राइट द करेक्ट मिसिंग लेटर्स यहाँ पे कुछ मिसिंग लेटर्स हैं अब आपने उनको राइटली फिलअप करना है. खाली जगहों पर दुरुस्त हरूफ लिखिए जैसे पहले खाली जगह थी तो हमारे पास ए आना था ए बी सी नेक्स्ट डी आएगा ई एफ नेक्स्ट जी आएगा जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई वाई एंड जी. इन जो फिलिंग्स ऑफ ब्लैंक्स थी उसको भी हमने फिलअप किया जिसमें हमारे पास आया ए बी सी सी के बाद डी मिसिंग था ई एफ उसके बाद जी मिसिंग था एच आई जे मिसिंग था के एल एम एम मिसिंग था एन ओ पी मिसिंग था क्यू आर मिसिंग था एस टी टी मिसिंग था देन यू था फिर उसके बाद वी मिसिंग था डब्ल्यू एक्स वाई इज आल्सो मिसिंग लेटर्स तो हमने इसको फिलअप किया. सर्कल द लेटर्स डैट बिल्ड्स द वर्ड्स कैट लफ्ज कैट बनाने वाले जो हरूफ इस्तेमाल होते हैं उनके गिर्द सर्कल लगाइए. तो आप देखें जो कैट का लफ्ज है उसकी स्पेलिंग पढ़ें सी ए टी सी ए टी. उन्होंने कहा है कि वो सर्कल उन अल्फाज को सर्कल करें उन वर्ड्स को सर्कल करें जो लव्स कैट बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं. तो कैट के स्पेलिंग क्या है सी ए एंड टी कैट. आप देखें यहाँ पे सी है ए है एंड टी है और नीचे अल्फ़ाबेटिक्स में उसने कहा है कि उन हरूफ को इस्तेमाल करें उन हरूफ के गिर्द सर्कल लगाएं
जो कैट बनाने में इस्तेमाल होते हैं, जो लफ्ज़ कैट बनाने में इस्तेमाल होते हैं। सर्कल द लेटर्स डैट बिल्ड द वर्ड कैट। अल्फाज यानी उन लफ्ज़ को, उस लफ्ज़ को जो कैट है उसको बनाने के लिए जो अरूफ इस्तेमाल होते हैं उनके गिर्द सर्कल लगाएं। तो सबसे पहले आप देखें कैट के लिए सी यूज़ होता है, नेक्स्ट है ए, उसके बाद ए यूज़ होता है, नेक्स्ट है टी, उसके बाद आपने टी यूज़ करना है। तीन हरूफ हैं, एक दो तीन, तो हमने तीनों हरूफों को सर्कल किया। सबसे पहले सी, फिर उसके बाद ए, फिर थर्ड वन इज़ टी। हमने तीनों हरूफ को सर्कल किया जिससे लफ्ज़ क्या बनता है, कैट। जिससे लफ्ज़ क्या बनता है, कैट। हमने उन तीनों हरूफ को सर्कल किया जिससे कौन सा लफ्ज़ बनता है, कैट। यहाँ पे उसने कहा सर्कल द लेटर डैट बिल्ड्स द वर्ड कैट। नेक्स्ट अब हमारे पास आ रहा है सर्कल करें द लेटर डैट बिल्ड द वर्ड टॉप। कौन सा वर्ड है, टॉप, टी ओ पी। तो यहाँ पे देखिए कितने कितने हरूफ हैं, एक दो तीन, कितने वर्ड हैं, एक दो तीन। उसने कहा है ये जो नीचे अल्फाबेटिक्स दी गई है इसमें जो लफ्ज़ टॉप है उसमें जो जो हरूफ, जो जो वर्ड्स यूज़ होते हैं उसको सर्कल करें। जैसे आपने ऊपर वाली ऑप्शन में कैट वाले को किया इसी तरह आप टॉप वाले को करेंगे। तो सबसे पहले देखें क्या है, टी, आप टी को सर्कल करें। उससे बाद कौन सा है लफ्ज़, कौन सा हरूफ है, ओ, तो आप ओ को सर्कल करें। उसके बाद एंड वाला हरूफ कौन सा है, पी, तो आप पी को सर्कल करें। ठीक है बच्चों, उसने कहा कि जो लफ्ज़ टॉप है, टी ओ पी, जो लफ्ज़ टॉप है इसको बनाने के लिए जो हरूफ, हरूफ कौन कौन से हैं, टी है, ओ है एंड पी है, जो हरूफ इस्तेमाल होते हैं उनके गिर्द क्या करें, सर्कल लगाएं। सबसे पहले हमने टी, सबसे पहले हरूफ टी आता है, हमने टी को सर्कल किया। उसके बाद हरूफ ओ आता है, हमने ओ को सर्कल किया, और एंड पे हरूफ पी है तो हम पी को सर्कल करेंगे। सर्कल द लेटर, ऑप्शन नंबर 5 पे आएं, सर्कल द लेटर डैट बिल्ड द वर्ड कप। इसी तरह आपने सबसे पहले कैट किया, फिर टॉप किया, अब आप कप, सी यू पी, सी यू पी। इसी तरह आप जो लफ्ज़ कप है उसमें जो जो हरूफ आते हैं, जो जो वर्ड्स यूज़ होते हैं, अब आप उनको सर्कल करें। सर्कल द वर्ड, सर्कल द लेटर्स डैट बिल्ड अप द वर्ड कप। सर्कल द लेटर्स डैट बिल्ड अप द वर्ड कप। जो लफ्ज़ कप बनाने में जो हरूफ इस्तेमाल होते हैं उनके गिर्द दायरा लगाइए, उनके गिर्द सर्कल लगाइए। जैसे आप देखें सबसे पहले है सी, सी के गिर्द आप दायरा लगाएं, नेक्स्ट है यू, फिर आप यू के गिर्द दायरा लगाएं, नेक्स्ट है द लास्ट पे जो हरूफ आता है वो है पी, तो आप पी के गिर्द जो है वो दायरा लगाएं। सी यू पी, द लव्स कप इज़ कम्प्लीटेड। कहाँ पे, यहाँ पे कितने हरूफ हैं, तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, हमने तीनों को सर्कल कर लिया जिससे कौन सा लफ्ज़ बनता है, कप। नेक्स्ट है राइट दीज नेम्स द सेम, अहमद, लाहौर, रिदा एंड पाकिस्तान, इन नामों को हूबहू तहरीर करें। राइट दीज नेम्स इन द सेम, यानी जैसे अहमद लिखा है तो आपने यहाँ पे अहमद लिखना है, नेक्स्ट है रिदा है तो आपने यहाँ पे रिदा लिखना है, लाहौर है तो यहाँ पे आप लाहौर लिखेंगे, पाकिस्तान, सो यहाँ पे आप राइट द नेम पाकिस्तान। राइट दीज नेम्स द सेम्स, यानी जैसे ऊपर नेम्स लिखे हैं वैसे ही आपने नीचे जो है उनको राइट करना है। तो सबसे पहले कौन सा लफ्ज़ है, कौन सा नेम है, अहमद, ए एच एम ई एंड डी, अहमद, अहमद।
सबसे पहले राइट दीज नेम्स द सेम, इन नामों को आप जैसे यहाँ लिखे हैं वैसे ही लिखें। सबसे पहले अहमद, सबसे पहले अहमद, ए एच एम ई डी, अहमद। नेक्स्ट है रिदा, आर आई डी ए, रिदा रिदा। नेक्स्ट है लाहौर, एल ए एच ओ आर ई, लाहौर लाहौर। एंड द लास्ट इज पाकिस्तान, पी ए के आई एस टी ए एन, पाकिस्तान। राइट दीज नेम्स द सेम, राइट दीज नेम्स द सेम। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, अहमद, रिदा, लाहौर एंड पाकिस्तान। अहमद, रिदा, लाहौर एंड पाकिस्तान। हमने इन अल्फाज को वैसे ही सेम टू सेम लिखा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।